नहीं दोस्तों, मुझे पता है कि ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो ज़्यादा लोगों ने नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है वन प्लस 11R के ऊपर एक अच्छी खासी डील बताई थी मैंने, जो कि अमेज़ॉन पर चल रही थी, और जहाँ पर ही मैंने बताया था कि जो प्राइस में अभी मिल रहा है उस प्राइस के अंदर आपको 2000 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या मैंने सोचा कि क्यों ना S23 वर्सेज वन प्लस 11R के बारे में बताया जाए। हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मैं चीज़ें उतनी बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर अगर स्विच करना है तो अगर आप सैमसंग में नहीं जाके वन प्लस में जाना चाहते हैं तो आप वन प्लस का ये स्मार्टफोन भी एक बार देख सकते हैं, वन प्लस 11R, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक पर भी बात कर लेनी चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्नोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों जो आती है वो यहाँ पर आती है डिस्प्ले साइज़ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन से जो डिस्प्ले है ना, काफ़ी डिफरेंस है, दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ये आता है एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की कैटेगरी में और वन प्लस 11R आता है आपके एक बड़े स्मार्टफोन की कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 6.1 इंच का डिस्प्ले साइज़ है S23 का, वहीं पर आपको वन प्लस 11R का 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो काफ़ी डिफरेंस है साइज़ के अंदर। सबसे बड़ी बात यह भी है कि स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले साइज़ बड़ा होने के साथ साथ इसके अंदर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू दिस S23। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों। तो डिस्प्ले वाइज तो देखिए, दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है, साइज मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और फुल HD में आप कॉन्टेंट्स को देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर बैक में और फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फर्क कहाँ आता है दोस्तों? पीक ब्राइटनेस पे। जहां S23 के अंदर आपको 1750 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वहीं आपको यहां पर OnePlus के अंदर मात्र 1450 nits की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है दिन के अंदर काफी अच्छे से विजिबल रहती है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि है बहुत ही मोस्ट हाईलाइटिंग पार्ट इन स्मार्टफोन्स का, वो है प्रोसेसर। तो S23 के प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 5G सपोर्टेबल है, और यहां पर आपको ड्यूल सिम का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप ड्यूल सिम तो लगा ही सकते हैं, साथ में यहां पर आपको ई सिम का भी ऑप्शन मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं यहां पे दोस्तों OnePlus की, तो यहां पर आपको 8+ Gen 1 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 5G सपोर्टेबल है, और वहां पर भी आप ड्यूल सिम का सपोर्ट ले सकते हैं, दोनों ही सिम कार्ड में इजीली 5G एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन ई सिम का ऑप्शन यहां पर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग वाइज बात की जाए दोस्तों, तो S23 के अंदर आपको एड्रीनो 740 देखने को मिलता है, वहीं OnePlus के अंदर आपको एड्रीनो 730 देखने को मिलता है, जहां पर GPU की जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त निकल के आती है। अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की दोस्तों। तो S23 के अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, जहां पर आपको 128GB से लेकर 256GB वाला वेरिएंट मिलता है। साथ ही में 256 के अंदर आपको दोस्तों 4.0 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आ जाता है, फास्टेस्ट स्पीड में आ जाता है। और वहीं पर OnePlus 11R की बात किया दोस्तों, तो यहां पर आपको 8GB की रैम मिलती है, 128GB का स्टोरेज मिलता है, 256GB वाला वेरिएंट भी मिलता है, लेकिन यहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप ही मिलता है। तो उन दोनों की चीजों के हिसाब से भी आपको यहां पर यह चीज देखनी होगी। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एंड्रॉइड 14, 13 दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, तो एंड्रॉइड 14 के ऊपर ये रन करते हैं अभी के टाइम पे 2024 के अंदर, और दोनों ही स्मार्टफोन आपको एक एक डेढ़ साल पुराने ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर OS अपडेट्स भी आपको काफी अच्छे मिलते रहते, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। साथ में ये एंड्रॉइड है तो ये वन UI 6.1 पे काम करता है सैमसंग का, और वहीं पर आपको ऑक्सीजन OS मिलता है OnePlus के अंदर। अब बात कर ली जाए कैमराज की दोस्तों, तो बैक साइड में एज यूजुअल यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर, लेकिन यहां पर आपको मेन सेंसर दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं S23 के नेक्स्ट कैमरे की, तो वहां पर आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा और 12 मेगापिक्सल का आपको यहां पे एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर S23 के अंदर फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाता है। और वहीं बात की जाए OnePlus की दोस्तों, तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का आपको यहां पे अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, और वहीं पर दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पता नहीं किस चीज का काम आने वाला है। और वहीं बात की जाए यहां पे सेल्फी कैमरे की, तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो S23 के अंदर दोस्तों आप 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरे से, 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं फ्रंट से भी आप S23 के अंदर 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं बात की जाए OnePlus 11R की दोस्तों, तो बैक कैमरे से आप सिर्फ 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से आप 1080 at 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो जहां पर आपको जो क्वालिटी है वीडियो की और फोटोग्राफ्स की वो काफी क्रिस्प क्वालिटी की निकल के आएगी। बाकी नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात की दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 4G 5G का
सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई का मिलेगा सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.3 आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन में NFC देखने को मिलेगा। S23 के अंदर आपको इंफ्रारेड वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा लेकिन OnePlus में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों USB Type-C 3.2 का पोर्ट मिलेगा आपको S23 के अंदर जो कि OTG सपोर्टेबल होगा। और वहीं पर OnePlus 11R के अंदर दोस्तों आपको USB Type-C 2.0 देखने को मिलेगा जो कि शायद OTG सपोर्टेबल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये कुछ नेटवर्क्स के रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। बाकी सेंसर्स एंड सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन S23 के अंदर दोस्तों आपको अल्ट्रासोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि पानी के अंदर भी जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन बहुत इजीली काम करेगा। लेकिन वहीं पर OnePlus 11R के अंदर आपको वो वाला फीचर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा साफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। अब है मेन लड़ाई दोस्तों बैटरी लाइफ के बारे में, यानी कि बैटरी बैकअप दोनों ही स्मार्टफोन्स का कितना मिलता है दोस्तों। तो एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सैमसंग का ये जो स्मार्टफोन है ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है दोस्तों, तो ये आज के जमाने के हिसाब से एक कॉम्पैक्ट किंग स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 3900 mAh की बैटरी मिलती है, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि सैमसंग कहता है जो कि मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, आराम से 1-1.5 घंटा लेता है चार्ज होने में। उसके अलावा यहां पर आपको दोस्तों 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, और वहीं पर दोस्तों आपको 4.5 रिवर्सिबल वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, करते ना फोन के ऊपर फोन रख के चार्ज करते हैं तो वो आपको सैमसंग के साथ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। OnePlus 11R के अंदर दोस्तों आपको 5000 mAh की फुल बैटरी मिलती है, और वो जो डिवाइस है ना वो एक्चुअली फास्ट डिवाइस है, तो यहां पर आपको 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा चीज है मेरे हिसाब से, क्योंकि चार्जिंग इतनी जल्दी हो जाती है उसके अंदर, कोई चार्ज हो जाएगा OnePlus का फोन आपका क्या पता ही नहीं चलेगा, और आप कैसे नाश्ता करते रहेगा काम करते रहेगा आपका स्मार्टफोन चार्ज हो गया, तो इससे क्या है थोड़ा हमारे डेली लाइफ के हिसाब से हमारे काम के अंदर स्पीड अप हो जाता है, तो ये एक बेनिफिट मुझे काफी जबरदस्त लगा OnePlus 11R के अंदर। बाकी इसके अलावा OnePlus 11R के अंदर आपको और एक्स्ट्रा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता, ना वायरलेस वाला ऑप्शन मिलेगा ना रिवर्सेबल वाला ऑप्शन मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों स्मार्टफोन बहुत अलग अलग कैटेगरी के, एक स्मार्टफोन काफी बड़ा है एक फोन काफी छोटा है, तो जो इनका वेट है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर आपको 168 ग्राम्स का S23 देखने को मिल जाता है, वहीं पर आपको OnePlus 11R 204 ग्राम्स का देखने को मिल जाता है, जहां पर बताया जाता है कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर काफी अच्छा रखा गया है। इवन जो OnePlus 11R है दोस्तों वो टॉप ऑफ द हेड जो होता है कैमरे का वहां से भी आपको हैवी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने पीछे की तरफ देखा तो डायल शेप में है पूरा डिजाइन, टिपिकल डिजाइन है वही टिपिकल डिजाइन सैमसंग का भी है, तो दोनों स्मार्टफोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी अच्छा रखा गया है, और एज कंपेयर टू OnePlus 11R काफी ज्यादा लाइट वेट है अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर दोस्तों बैक साइड में ना आपको ग्लास देखने को मिलता है तो वो एक काफी बड़ा मेजर पॉइंट लगता है। साथ में दोस्तों यहां पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम देखने को मिलेगी OnePlus 11R के अंदर, लेकिन वहीं पर S23 के अंदर आपको दोस्तों एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है, तो ये भी एक काफी बड़ा मेजर डिफरेंस है। बट दोनों स्मार्टफोन्स का जो साइज है वो काफी डिफरेंस है, और काफी अलग अलग चीजें हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। चलो अब बात सारी हो गई है हमारी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, क्या बैटरी है, क्या डिस्प्ले है, क्या रैम है, क्या स्टोरेज है, क्या प्रोसेसर, हमने सारी बात कर ली। अब मेन जो मुद्दा है ना वो आता है सीधा प्राइस पे दोस्तों, तो जिसने भी अगर मेरे पुराने वाले वीडियो को नहीं देखा है अगर डिटेल में देखना है तो देख लीजिए, वरना आपको यहां से भी आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है S23 के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए जहां पे मैंने प्राइस ड्रॉप के बारे में बताया, जहां पर मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया, बैटरी लाइफ के बारे में बताया, हीटिंग इशू होती कि नहीं होती वो सब चीजें बताइए, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहीं पर मैंने एक डेडिकेटेड OnePlus 11R के ऊपर बताया कि कैसे यहां पर प्राइस ड्रॉप हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं OnePlus 11R जब आया था लास्ट ईयर मतलब एक डेढ़ साल पहले, तो वहां पर इसकी प्राइस थी 40,000 के करीब, लेकिन आज की डेट में अमेजोन पे आप जाते हैं तो 29,999 के करीब आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है इसकी कट ऑफ हो चुकी है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कैनरा बैंक का एक ऑप्शन है ऊपर, अगर आपके पास कैनरा बैंक का कार्ड है तो उसके ऊपर आप 2,000 रुपए का डिस्काउंट और ले सकते हैं, तो तब आपको ये फोन जो है वो 27,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ब्रेकिंग डील है जिस हिसाब से मैंने यहां पर देखा था प्राइस, तो मैंने सोचा क्यों ना S23 वर्सेस OnePlus 11R का भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोग बाग जो एंड्रॉइड में जाना चाहते हैं लेकिन सैमसंग में नहीं जाना चाहते तो वो OnePlus की तरफ भी देख सकते हैं अगर उनको ये चीजें समझ में आती है। बात कर लेते हैं S23 की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन 75,000 से 80,000 के बीच में लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसकी प्राइस 50 तक आई, 50 के बाद ये 45 के अंदर भी मिल जाता है, 45 तक मिल जाता है सॉरी, और सेल आती है तब ये प्राइस मिलती है, वरना अदरवाइज आपको ये 51, 52, 53, 54 तक ही मिलता है। और इसमें भी डिफरेंस है कि 256 GB वाला वेरियंट ले रहे हैं, 128 GB वाला वेरियंट ले रहे हैं, वही चीज आपको OnePlus 11R के साथ भी देखने को मिल सकती है प्राइस रिलेटेड। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि बतानी जरूरी थी, आई होप आपको ये सब चीजों से आइडिया लग गया होगा दोस्तों, और थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और उसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्टोनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।